नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दीपावली में। दोस्तों, एक बहुत ही प्रसिद्ध और जाना माना कथन है कि चढ़ते सूरज को दुनिया सलाम करती है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति कामयाब है उसे हर जगह सम्मान प्राप्त होता है, और ये सम्मान किसे अच्छा नहीं लगता। अब प्रश्न ये उठता है कि कोई कामयाब कैसे बने, अपने सपने कैसे साकार करे। दुनिया में हर किसी का कोई ना कोई सपना ज़रूर होता है कि वह भविष्य में क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है, और इस सपने को पूरा करने के लिए वह प्रयत्न भी करता है। इनमें से कुछ व्यक्ति अपने सपने को साकार करने में सफल रहते हैं और कुछ नहीं। अपने सपने को साकार करने व जिंदगी में कामयाब होने के लिए सभी जी जान से कोशिश करते हैं, पर क्या कारण है उन्हें सफलता नहीं मिलती। क्या आपका भी अपने भविष्य को लेकर कोई सपना है? अगर हाँ तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपके सपने को साकार करने के लिए हम कुछ आपको टिप्स दे सकें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ हम कुछ ऐसी ही बातें आपसे शेयर करेंगे जिससे आपको अपने सपनों को साकार करने में मदद मिले और आप कामयाब बने। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, यस यस यस, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट जैसे ही मैं न्यू वीडियो को अपलोड करूँ आप सबसे पहले उसे देख सकें। वास्तव में अपने सपनों को साकार करने के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका सपना है क्या, आप क्या चाहते हैं। इसका निर्णय बहुत सोच समझ कर किया जाना बहुत ज़रूरी है। जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो स्वयं की वर्तमान परिस्थिति से बहुत बढ़ चढ़कर सपने देख लेते हैं, और फिर जब इसे पूरा करने का विचार मन में आता है तो इसे असंभव जानकर ऐसे ही छोड़ देते हैं और जोश ठंडा पड़ जाता है। अतः ज़रूरी है कि हम एक छोटे से कदम से शुरुआत करें, फिर उसे पूरा करने पर आगे की रणनीति तय करें। इस प्रकार हमें कदम कदम पर सफलता मिलती जाएगी और कामयाबी का रास्ता भी खुल जाएगा। निश्चय और भरोसा। आपने सपना देख लिया और इस पर पूरी तरह से विचार कर लिया कि आपको यह कार्य करना है। इस चरण के पश्चात आप इस कार्य के प्रति अपना निश्चय दृढ़ करें और इस पर अपने भरोसे को कायम रखें कि आप यह काम कर सकते हैं और आपको इसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। हो सकता है कि शुरुआत में आपको कठिनाई हो, शुरुआत में आपको असफलताओं का सामना करना पड़े, परंतु आपको इस समय अपने दृढ़ निश्चय को याद कर उस पर भरोसा बनाए रखना होगा। इससे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसके लिए आप एक मूल मंत्र याद रखें, दृढ़ निश्चय प्लस विश्वास इज इक्वल्स टू सफलता। अपने डर को दूर करें। अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए जब हम इसकी तरफ कदम बढ़ाएंगे तो शुरुआत में हमें डर तो लगेगा कि कहीं हमारा कदम गलत ना हो या हमें कामयाबी मिलेगी नहीं, हमारे सपने कहीं टूट ना जाएं। इस डर से पर हम सपना देखना तो नहीं छोड़ सकते, तो क्यों ना हम डरना छोड़ दें। इससे दो फायदे होंगे, हमारे सपने को पूरा करने की ओर हम तेज़ी से बढ़ेंगे और हमारा डर भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। टेक एक्शन। चौथा और बहुत महत्वपूर्ण चरण है कि अपने सपने को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाना। वो कहते हैं ना, द फर्स्ट थिंग इज़ टू गेट सक्सेस इज़ टू गो अहेड। इसके लिए कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी ज़रूरी है, चाहे वह कदम छोटा हो या बड़ा, उसे उठाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऊंचाई पर पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, तभी आप अपनी मंजिल पा सकते हैं। अपने आप से प्यार करें, लव योर सेल्फ। आप जब स्वयं से प्यार करते हैं तभी खुद को तवज्जो दे पाते हैं और अपने सपनों को भी। आप प्रतिदिन खुद के लिए थोड़ा समय निकालें, चाहे उस समय में आप पढ़ाई करें, संगीत सुनें या अपना कोई और शौक पूरा करें। खुद से बातें करें और अपने सपने के बारे में सोचें। ये विचार करें कि आप अभी कहाँ हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं और अब इसके लिए क्या क्या किया जाए। इस प्रकार कार्य करने से आप रिलैक्स होंगे और आगे के निर्णय शांत मन से ले पाने में समर्थ होंगे और अब आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दूसरों की सफलता से प्रेरणा ग्रहण करें। जब आप किसी व्यक्ति की सफलता से अवगत होते हैं तो उससे प्रेरणा लें और यह विचार करें कि मैं अपनी सफलता को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। जब हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं और उसकी नकारात्मक बातों को देखने की बजाय उसकी सकारात्मक बातों से सीख ग्रहण करते हैं कि कैसे उस व्यक्ति ने अपने सपने साकार किए और अपने जीवन में सफलता प्राप्त की, तो हम भी अपने सपने को साकार करने की ओर कदम बढ़ाने हेतु प्रेरित होते हैं और कामयाब बनते हैं। इसके लिए बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्हें
अपने पहले प्रयास में तो सफलता नहीं मिली, परंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सतत प्रयास किए, जिससे आज भी दुनिया के लिए सफलता का दूसरा नाम बन गए हैं। इनमें से कुछ नाम और उनकी सफलता का क्षेत्र कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। टाटा ग्रुप, सबसे सस्ती कार नैनो बनाने में सफलता प्राप्त की। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भारत के लिए अनेक मिसाइल का निर्माण करने में सफलता प्राप्त की और आज भारत में मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। अमिताभ बच्चन, प्रसिद्ध फिल्मी अभिनेता। अब्राहम लिंकन, एक गरीब बालक से अमेरिका के राष्ट्रपति बनने तक का सफर तय किया। नरेंद्र मोदी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री, जिनका सफर एक चाय बेचने से लेकर के भारत के प्रधानमंत्री बनने तक रहा। दोस्तों, अपनी गलतियों से हमेशा सीखें। जब हम अपने सपने को साकार करने की ओर कदम बढ़ाते हैं तो हो सकता है कि हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाएं। हम अपने सपने की ओर कदम बढ़ाने की बजाय एक कदम या कुछ कदम पीछे हो जाएं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप वो काम नहीं कर सकते या सफलता पाना आपके बस की नहीं है। यहाँ बस अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। आपको गलती से सबक लेना चाहिए, ना कि निराश होकर अपने सपने की तरफ से कदम पीछे हटाना चाहिए। छोटे छोटे निर्णयों को बहुत महत्व दें। कामयाबी पाने के लिए एक छोटे से कदम से शुरुआत की जाती है, तो इसका मतलब यह है कि एक छोटा सा कदम भी बहुत मायने रखता है। अतः आवश्यक है हम जो भी निर्णय लेना चाहें, वो छोटा हो या बड़ा, उसे महत्व ज़रूर दें, क्योंकि छोटी छोटी कोशिशें ही हमें अपनी कामयाबी का रास्ता दिखाती हैं। थोड़ा धैर्य धारण करें, पेशेंस रहें। जब आप अपने सपनों को साकार करने की ओर कदम बढ़ाते हैं तो हो सकता है कि आपकी पहली कोशिश में ही सफलता आपके कदम चूमे, परंतु ये भी हो सकता है कि आप इस बार असफल हो जाएं। अतः ज़रूरी है कि आप दोनों ही परिस्थितियों के लिए स्वयं को तैयार करें और धीरज के साथ आगे की स्ट्रैटेजी बनाकर उसके अनुसार कदम बढ़ाएं। अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हैं। यदि आपके मन में आपके सपने को साकार करने के रास्ते में बार बार असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है, तो विचार करें कि कहीं आपका रास्ता तो गलत नहीं है। अर्थात जिस राह में आप चल रहे हैं, जिस तरीके को आप अपना रहे हैं, कहीं वो गलत तो नहीं है और इसी कारण आप अपने सपने को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अतः आवश्यक है कि समय समय पर अपनी रणनीति को जांचें और अगर ज़रूरी है तो उसमें बदलाव अवश्य करें। दोस्तों, आप अपने जीवन में जैसा चाहते हैं, जैसा होने की कल्पना करते हैं, आपका जीवन वास्तव में वैसा ही हो जाता है। ये सब माइंड का गेम है। इसके पीछे कारण है आकर्षण का नियम। आप अपने जीवन या सपने के बारे में सोचते हैं और इसकी कल्पना करते हैं, और यह कल्पना जितनी शक्तिशाली होती है, उसके सच होने की संभावनाएं उतनी ही बढ़ती जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ कल्पना ही करते रहें और इसके सच होने के इंतज़ार में व्यर्थ समय गंवाएं। आपको इन्हें हकीकत में बदलने के लिए पर्याप्त प्रयास भी करने होंगे। फिर है दोस्तों पॉजिटिव थिंकिंग। आपको हमेशा अपने जीवन में सकारात्मक विचार रखने। यदि हम अच्छे से सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। इसके पीछे कारण यह है कि हम जैसा सोचते हैं उसका असर हमारे कार्य पर पड़ता है और उसकी सफलता और असफलता उसी बात पर डिपेंड करती है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आप परिस्थिति के दोनों पहलू अर्थात सकारात्मक और नकारात्मक तथ्यों पर विचार ही ना करें। आपको दोनों ही पहलुओं पर भलीभांति समझकर निर्णय लेने होंगे और लिए गए निर्णयों के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाकर उनके सफल होने की आशा भी रखनी होगी, तभी आप सफलता के नज़दीक पहुंच पाएंगे। दोस्तों, ब्रह्मांड पर भरोसा करें। बिलीव द यूनिवर्स। श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि मनुष्य को अपना कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अर्थात जब आपने अपने सपनों को साकार करने के लिए सभी आवश्यक कार्य पूर्ण कर लिए हैं और आप अब उसके परिणाम को प्राप्त करना चाहते हैं कि कब वह कार्य सफल होगा, कब आप कामयाब बन जाएंगे, तो इस समय आपको ब्रह्मांड अर्थात ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए कि वो आपकी मेहनत को ज़रूर सफल करेगा। इस प्रकार भरोसा रखने से आपको हिम्मत तो मिलेगी ही, साथ ही साथ अपनी सफलता की ओर एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे। इस प्रकार जब भी आप अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहें, कोई सपना देखें, उसे साकार करना चाहें और चाहें कि कामयाबी आपके कदम चूमे, तो आवश्यक है कि आप मेरी सारी बातों को गंभीरता से लें और इनकी मदद से कामयाबी का रास्ता चुनें।
दोस्तों, अगर ये वीडियो आप आर्टिकल की टर्म्स में पढ़ना चाहते हैं तो उस आर्टिकल का लिंक भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप आराम से बैठकर ये आर्टिकल रीड कर सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरे इस वीडियो से अगर थोड़ी सी भी मदद मिली हो या मोटिवेशन मिला हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, मुझे बहुत खुशी होगी। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।